देश और प्रदेश में कोरोना के चलते व्यवसाय बेहद प्रभावित हुआ है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते सभी त्योहार जिन पर ग्राहक जमकर खरीदारी किया करते थे, आज वे न के बराबर खरीदारी कर रहे हैं। यही कारण है कि व्यवसायियों के सभी त्योहार फीके नजर आ रहे हैं। आमतौर पर दशहरा, धनतेरस और दिवाली त्योहारों पर बाजारों में भारी भीड़ उमड़ा करती थी। बाजारों में यहाँ तक कि पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, लेकिन सोलन के सभी बाजार खाली नजर आ रहे हैं। शाम के वक्त ग्राहकों की थोड़ी भीड़ देखने को मिलती है, जो केवल मजबूरी में खरीदारी करते नजर आते हैं। ग्राहकों ने इस मौके पर कहा कि वे हर वर्ष जमकर खरीदारी करते थे और अब वे केवल त्योहारों पर शगुन के लिए ही खरीदारी कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने बताया कि वे हर वर्ष फ्री बंद करीबन 5 से 6 तोला स्वर्ण खरीदते थे, लेकिन इस बार वे केवल 2 से 3 तोला ही स्वर्ण खरीद रहे हैं। वहीं एक और ग्राहक ने बताया कि वे कार खरीदने का मन बना रहे थे, लेकिन बढ़ती महंगाई ने उनके इरादों पर विराम लगा दिया है, जिसकी वजह से अब वे कार खरीद पाने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि इस बार कोरोना संक्रमण के चलते आय के साधन सीमित हो चुके हैं, इसलिए ग्राहक बेहद कम खरीदारी कर रहे हैं। देखिए, अब की बार पहले के मुकाबले थोड़ी कम है शॉपिंग, स्पेशली ज्वेलरीज के लिए। मैं अभी यहीं पास के गांव से हूँ और यहीं आया हूँ ज्वेलरी खरीदने के लिए। जैसे कि लास्ट ईयर मैंने 4-5 तोले शॉपिंग की थी सोने की, लेकिन इस बार अभी तक मैंने 2 ही तोले सोना लिया है। अभी देखते हैं आगे लेने की और उम्मीद है, बट लास्ट ईयर से थोड़ी कमी होने की उम्मीद है। देखिए, थोड़ा कोरोना की वजह से इस बार तो कमी होने की उम्मीद है, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रहे हैं, पर फिर भी शॉपिंग तो करनी है, वो तो करनी ही पड़ेगी। धनतेरस के पहले थोड़ी कम उम्मीद है करने की, लेकिन करेंगे जरूर। रामेश्वर शर्मा सोलन से हूँ, और धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। जहाँ तक परचेजिंग की बात है, लास्ट ईयर हमने बाज़ार से काफ़ी कुछ सामान लिया था, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार थोड़ा बाज़ार में मंदी देखने को मिल रही। जो परचेजर्स हैं, ग्राहक लोग हैं, वो बहुत उदास नज़र आ रहे हैं। मेरा अपना पर्सनल अनुभव भी यही है कि जैसे मैं गाड़ी लेने का माइंड बना चुका था, तो अब सडनली गाड़ियों की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 10% बढ़ गई। इस कारण से मैंने गाड़ी का इस बार कैंसिल कर दिया। इसी तरह से छोटे मोटे और भी जो खर्चे होते हैं, उनको भी हमारे को महंगाई की वजह से कम करना पड़ रहा है।